जब शहरी पोता पहली बार सर्दियों की छुट्टियां मनाने अपने दादा के घर आए। ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? शहरी बाबू, ये कुत्ता इसी वजह से भौंक रहा है। वो कह रहा है कि जब मैं यहाँ हूँ तो दूसरा कुत्ता क्यों लेकर आए हो? मोशन बेटा, एक गिलास पानी का लाना। जी अब्बा जी, अभी आया। अंकल, और कितना दूर है घर? बस पहुँचने ही वाले हैं। ये ले अब्बा जी, पानी आ गया। बेटा, तुम्हारा भतीजा शहर से आ रहा है, उसके लिए कोई बकरा बकरा जिबा करो। अब्बा जी, बकरा क्यों? उसके लिए तो बकरे से भी ज्यादा लजीज सालन बनवाया है हमने। हा? अच्छा बेटा, जल्दी से बच्चा खुचा काम मुकम्मल करो, वो आने वाले हैं। भतीजे, बस पहुंच गए अपने घर। दादा अबू, जीते रहो बेटा। बेटा, मेरी बहू और बेटे का हाल दो, वो कैसे हैं? दादा अबू सब ठीक हैं, आप सुनाएं। शहर से मेरा भतीजा आ गया, अब भतीजे को जाके मिलता हूँ। सब ठीक है बेटा, अब बैठ के बात करते हैं। भतीजे, अब तो बहुत बड़े हो गए हो। बैठो, तुम दोनों यहीं बातें करो, मैं तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। साग हमारे भतीजे को बहुत पसंद आएगा। पोते का गांव में आने के बाद उसके दादे का पहला मिशन यही था कि अपने पोते का इस्तकबाल साग से करूँगा। साग, दादाजी मुझे तो बहुत लजीज लग रहा है। खाओ बेटा खाओ। पोते ने पहले ही दिन साग की इतनी तारीफ की कि दादा को लगा अब मेरा पोता साग के बगैर तो नहीं रह पाएगा। फिर दादाजी के शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आया। भतीजे, खाना वाना खा लिया है तो चलो तुम्हें अपना गांव दिखाता हूँ। जब पोता सारा दिन गांव घूमने के बाद शाम को घर वापस आया तो उसे लगा कि आज मेरा दादा मेरे लिए दो मशीनवारी लाएगा। खाना खाओ। बेटा, ऐसी देसी खुराकें तुझे शहर में नहीं मिलेंगी। सब्र कर बेटा, आज तो साग का दूसरा दिन है। आगे आगे देख, होता है क्या। पोता जब से दादे के घर आया तो एक ही सोच में मगन था कि अपने दादे के घर कब गोश्त का मुंह देखूंगा। दादा अबू, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अच्छा बेटा, तुम यहाँ बैठो, मैं भी लाता हूँ। लगता है दादा अबू ने मेरे लिए मुर्गे मुसल्लम बनवाया होगा। दादा अबू, साग की कोई देख बनवा कर रखी हुई है। बेटा फिक्र ना करो, ये सिर्फ 15 दिन के लिए है, उसके बाद मुर्गा ही मुर्गा होगा। भतीजे, ये प्लान तो हमने 15 दिन पहले बना रखा था कि भतीजा आ रहा है, देख बनवा ले साग की। अब साग के दिन गए, आज 16वां दिन है। दादा अबू ने बोला था मुर्गा होगा, आज तो मुर्गा खाऊंगा मुर्गा। ये लो भतीजे, तुम्हारा खाना आ गया। साग, मैं तो साग खा कर थक गया हूँ। आप लोगों ने जानवर समझा हुआ है, मैं तो घर जा रहा हूँ, खुद ही साग खा लेना। रुको भतीजे रुको। अब्बा जी, आपका पोता भागे जा रहा है, इसे कहो आखिरी बार साग तो खाते जाए। बेटा साग खाते जा।